प्रताड़ना और अधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क की मांग से परेशान एक प्रधानाध्यापक ड्यूटी के दौरान अचेत होकर गिर पड़ा, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के खात्मे के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकारी अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा ही एक मामला महोबा जनपद से सामने आया है, जहां एक प्रधान अध्यापक ने बीएसए पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मामला श्रीनगर कस्बा क्षेत्र का है, जहां के नगर पंचायत श्रीनगर में प्रधान अध्यापक कुंवारे राम प्रजापति तैनात हैं, जिनका काम इस क्षेत्र में विद्यालयों की नियमित चेकिंग करना है। आज जब ये अपनी ड्यूटी पर थे तो अचानक अचेत होकर गिर पड़े। हालत गंभीर होने पर सहयोगियों द्वारा जिला अस्पताल लेकर इमरजेंसी वार्ड में इन्हें भर्ती करवाया गया। अचानक तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही सरकारी टीचरों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। जब अध्यापक को होश आया तो उसने खुद को प्रताड़ित किए जाने की बात कही। उसका आरोप है कि वो काफी समय से मानसिक उत्पीड़न को झेल रहा है। उसने बताया कि विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार उन पर वसूली कर मासिक 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि देने में असमर्थ अध्यापक कई बार उन्हें इस बात से अवगत करा चुका है। बावजूद इसके बीएसए अमित कुमार द्वारा उन्हें आए दिन मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। नौकरी से बर्खास्त करने से लेकर अश्लील गाली तक बकी जाती है। पैसे ना देने से नाराज बीएसए उनसे दोहरा काम कराता है। इसी वजह से आज उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बीएसए पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या मामला है? सुबह 8 बजे फोन किया था बीएसए साहब ने कि निरीक्षण आख्या लाइए, तो मैंने कहा साहब मैं अभी नगर पालिका चुनाव ड्यूटी बांटना है मुझे और एमडीएम की व्यवस्था करके विद्यालय में आ रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं 10:30 बजे पहुँचा निरीक्षण आख्या लेकर के। फिर इसके बाद मुझे धमकाने लगे, कहे RTI लगवाते हो, मैं तो मैं देख लूँगा, सस्पेंड कर दूंगा। इसके बाद कहे जाइए 5 स्कूल चेक करके लाइए। कुछ पैसे की मांग की गई थी क्या? हाँ, मांग की गई थी पहले 3-4 महीने पहले 15,000। न्याय पंचायत का प्रशिक्षण होता है प्रबंध समिति का, तो उसमें मांग की गई। वहीं दूसरी ओर यूटा संगठन के जिलाध्यक्ष विक्रांत पटेरिया ने आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में रिश्वतखोरी चरम पर है और कर्मचारियों को नाहक परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत CM योगी तक पहुंचाई जाएगी। कि सुबह उन्हें प्रातः 8 बजे के आसपास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार जी द्वारा फोन किया गया और उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अपनी कार्य व्यवस्था के बारे में बताया कि सर मुझे चुनाव ड्यूटियाँ बांटना है। इसके बाद वो लगभग 10:30-11 बजे BSA ऑफिस पहुँचे। जैसे ही अमित कुमार जी BSA साहब के चैम्बर में पहुँचे, आग बबूला हो गए और गाली गलौज उनके साथ शुरू कर दिया गया। ऐसा अवगत कराया गया है प्रणाम जी द्वारा और कहा गया कि तुम RTI लगवा के। उन्होंने कहा सर मैं सीधा साधा शिक्षक हूँ और समयबद्ध अपना काम करता हूँ, मुझे RTI से कोई लेना देना नहीं। बोले मैं तुम्हें व्यक्तिगत देख लूँगा तुम्हारे नाम और मैं तुम्हें निलंबित करूँगा और कठोर कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ बर्बादी करूँगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि निरीक्षण प्रशिक्षणों के नाम पर जो NPRC में परीक्षण होते हैं उनके 15,000 रुपये की मांग उनसे की गई थी BSE के द्वारा। तब से BSE उनसे नाराज चल रहे हैं। पैसे की मांग की गई जी, उन्होंने अवगत कराया कि 15,000 रुपये मुझसे प्रशिक्षण जो होते हैं NPRCO में उनके कमीशन के रूप में मांगे गए थे, तभी से वो नाराज चल रहे हैं। आगे की रणनीति ये है कि हम उच्च अधिकारियों का अवगत कराएंगे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया जाएगा यूटा के द्वारा किस तरीके से तानाशाहपूर्ण रवैया BSA महोदय के द्वारा अपनाया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और इसके बाद आगे का किया जाएगा, योजना बना करके मीटिंग करके आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल ये मामला अधिकारी और कर्मचारियों की उठा पटक में उलझ चुका है। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। इस मामले से DM राम विशाल मिश्रा को भी अवगत कराया गया है। अब देखना यह है कि कौन दूध का धुला निकलता है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।